आदमी नदी के किनारे टट्टी कर रहा होता है, पर उसको ये नहीं पता था उसकी टट्टी में वायरस होता है। वहाँ से बूढ़ी औरत इसी नदी से पानी घर पर ले जाती है और वही पानी ने खाना बना देती है। इसका पति चटाके से खाना खा लेता है, पर वो इस बात से अनजान था वो एक वायरस का शिकार बन रहा है। खाना खाने के बाद ये वही वायरस वाला पानी पी लेता है, जिसके कारण वायरस पूरे शरीर में फैल चुका है। तभी ये बाल पकड़कर बच्चे को पकड़ाता है, उसके बाद बच्चा भी वायरस का शिकार हो जाता है। कुछ दिन बाद आदमी उल्टियां करने लग जाता है और इसे डायरिया हो जाता है। बच्चा डॉक्टर को बुलाने जाता है, ये वायरस पूरे गांव में फैल चुका है। तभी बच्चा डॉक्टर को घर पर ले आता है, डॉक्टर उसी पानी को गर्म पानी में उबालता है। थोड़ी ही देर बाद पानी से वायरस गायब हो जाता है। अब ये पानी को बोतल में डालता है, इसमें आधा चम्मच नमक और 6 चम्मच चीनी डाली जाती है। बच्चा पानी को पिलाता है, पर समय से इलाज ना होने से आदमी मर जाता है।